हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, एक स्कैम है जो पिछले काफी दिनों से चल रहा है। मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि तमाम सारे वीडियोस यूट्यूब पे ऑलरेडी उपलब्ध थे। स्कैम क्या है? स्कैम है पेंसिल या पेन को पैक करके हजारों रुपए कमाने वाला स्कैम। इस तरह का लालच, इस तरह का एडवर्टीजमेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलते हैं और उसमें कुछ नंबर दिए जाते हैं। आपसे कहा जाता है कि आप महीने के 25 से 30 हज़ार रुपये कमा सकते हैं और काम बहुत आसान है। आपको कुछ रॉ मटेरियल भेजा जाएगा आपके पास में, कुछ पेंसिल्स भेजी जाएंगी और आपको सिर्फ इसको पैकेजिंग करना है, यानी कि आपको उसको केवल उसके आउटर कार्टन में डालना है और उसके बाद वो माल हमको वापस भेज देना है। तो काम भी आसान है और महीने का 25-30 हज़ार रुपये भी आपको मिलेगा, साथ में एडवांस में भी कुछ पैसा मिलेगा। तो इस तरह के लालच के साथ में पिछले एक साल से तमाम सारे जो है इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ही, जबकि मैंने वीडियो नहीं बनाया है, बावजूद इसके तमाम सारे लोग कमेंट में लिखते हैं। हफ्ते में 3-4-5 लोग मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच करते हैं कि मेरा इतना पैसा चला गया, उतना चला गया और अब इसके लिए मैं क्या करूँ। तो इस बारे में कंपनी का क्या कहना है, खासकर जो है नटराज पेंसिल, जिनका कि अप्सरा भी एक ब्रांड है और नटराज पेंस के नाम से भी है, तो उसके नाम से ये स्कैम ज़्यादातर होता है। तो कंपनी का क्या कहना है, पहले वो वीडियो देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कंपनी ने क्या कहा है। उससे आपको पता चल जाएगा कि आखिर में स्कैम क्या है और कंपनी क्या कन्वे करना चाहती है। उसके बाद मैं एक ऑडियो भी प्ले करूंगा, वो आप देखिएगा कि किस तरह से विक्टिम को डराया धमकाया जाता है, उसको कॉल करके परेशान किया जाता है, 400 BC का केस लगा देंगे, पुलिस तुमको उठा ले जाएगी, वगैरह वगैरह तमाम सारी बातें होती हैं। तो पहले ये वीडियो देख लेते हैं। नटराज और अप्सरा पेंसिल पैकिंग जॉब, सैलरी बड़ी और एडवांस भी, ऐसे विज्ञापन उन पर विश्वास ना करें क्योंकि ये सारे लोग फ्रॉड हैं। वो आपकी निजी जानकारी जैसे पैन नंबर, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट डिटेल्स लेकर आपकी अकाउंट की धनराशि जीरो कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए नटराज और अप्सरा पेंसिल पैकेजिंग प्रक्रिया पूरी तरह से ऑटोमेटेड है, यानी लकड़े का आकार देने से लेकर पेंसिल की लीड, उन पर कोटिंग और आखिर में ब्रांडिंग और पैकेजिंग, ये सब प्रक्रिया मशीन की मदद से होती है। इसमें किसी मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। कृपया नौकरी का झांसा देने वाले ऐसे फर्जी विज्ञापनों से सावधान रहें। तो जैसा कि आपने देखा, कंपनी ने ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया है कि वो इस तरह का कोई विज्ञापन नहीं चलाते हैं। पूरा ऑटोमेटेड प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर रॉ मटेरियल से लेकर के और पैकेजिंग तक सब कुछ मशीनों के द्वारा होता है, मैनुअली नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक कंपनियों के नाम पे भी चल रहा है, अभी उन्होंने नया मॉडल चेंज किया है जिसमें वो कहते हैं कि हम आयुर्वेदिक कंपनियां हैं, या जो आजकल डाइटरी सप्लीमेंट्स आते हैं उस तरह की गोलियां हैं, हम आपको बल्क में भेज देंगे, आपको केवल ना डिब्बे में डाल डाल करके उसको पैक करना है। वो भी फ्रॉड है। वैसी भी कोई स्कीम नहीं चलती है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, कोई भी, चाहे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, मैं कह रहा हूँ मसाला बनाने वाली, तेल बनाने वाली, ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो रॉ मटेरियल कहीं और पैदा करेगी, बनाएगी और उसका पैकेजिंग के लिए वो इस तरह से गली गली ढूंढ करके लोगों को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे विज्ञापन दे करके रिक्रूट करेगी, फिर रॉ मटेरियल भेजना, ये सब बहुत खर्चीला काम है। तो यहाँ पर होता क्या है कि शुरुआत में इस तरह का ऐड चलाया जाता है और छोटे कस्बों या छोटे शहरों या गाँव के लोग जो होते हैं ज़्यादा फंसते हैं इसमें। वो सीधे उस नंबर पर कॉल करते हैं, सामने से साइबर अपराधी जो है उनको कन्विंस करता है, उनसे कहता है कि पहले 620 रुपये पे करने पड़ेंगे और उस 620 रुपये में आपका एक जॉब कार्ड बन जाएगा। तो जॉब कार्ड बनने के नाम पर शुरुआत में 620 ले लिए, उसके बाद एक फर्जी जॉब कार्ड बना के दे भी दिया जाता है। उसके पहले आपका आधार कार्ड ले लिया जाता है, आपकी फोटो सिग्नेचर, इस तरह की चीजें भी आपसे मांगी जाती हैं। आपको लगता है कि यार वाकई में कोई जॉब मिलने वाली है, इसलिए आप ये सब चीजें दे भी देते हैं। 620 कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होती है, तो आप सोचते हो चलो दे देते हैं। आपने 620 से 650 मांगे हुए पैसे दे दिए, उसके बाद उनका अगला कॉल आता है और वो कहते हैं अब आपको 2550 रुपये देने पड़ेंगे। 2550 रुपये किस लिए देने हैं? ये जो रॉ मटेरियल है वो आपके पास जो पहुंचेगा उसका एक कोरियर चार्ज देना पड़ता है आपको, और ये रिफंडेबल है। ये आपको कब मिल जाएगा? जब आपको हम एडवांस पैसा देंगे। एडवांस पैसा कब देंगे? जब हम आपका सामान आपके पास डिलीवर कर देंगे। तो रॉ मटेरियल आपका डिलीवर होगा, आपको 10 से 15 हज़ार रुपये का कुछ एडवांस पेमेंट मिलेगा काम करने के लिए, और उसी एडवांस पेमेंट के साथ में ये 2,500 रुपये, 2550 जो भी ये लॉजिस्टिक चार्जेस हैं, ये भी आपको पे कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर कई लोग देते हैं, कई लोग नहीं देते, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं चूँकि रकम छोटी सी है और जो जॉब का लालच है यानी कि रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि 15,000 का एडवांस और 25,000 रुपये का पर मंथ का मुनाफा। तो यहाँ पर क्या होता है, बंदा 2550 भी दे देता है। 2550 देने के बाद कहा जाता है कि हमको रिवर्स पिकअप चार्ज है, कि आप सामान बना दोगे, बनाने के बाद हमारे पास जब जाएगा तो उसकी एक स्लिप कटती है अभी से ही, मतलब वो स्लिप अभी से कट जाएगी, तो उसके पैसे भी आपको देने। देखो यहाँ पर चीज़ें बदल भी सकती हैं, हो सकता है किसी विक्टिम को कुछ कहा हो, किसी विक्टिम को कुछ कहा हो, लेकिन अलग अलग मद में, मैंने बताया ना, जैसे कि 620 लिया, फिर 2550 लिया, फिर 4,000 रुपये लिया,
फिर 1500 रुपए लिया, इस तरह से करते करते ये 8 से 10 हज़ार रुपए तक का स्कैम बन जाता है। अब चूंकि 3 से 4 बार पेमेंट की है अलग अलग अकाउंट में या कई बार एक ही अकाउंट में पेमेंट की जाती है, और वो सारे जो अकाउंट्स होते हैं वो पूरी तरह से फर्जी अकाउंट्स होते हैं, जैसा कि आप आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं कि बहुत सारे जामताड़ा और इस तरह के गिरिडीह हो गया, मथुरा हो गया, या भरतपुर हो गया, इधर नूह हो गया, इस तरह के कई सारे क्षेत्र हैं आज की डेट में वो बहुत मशहूर हो चुके हैं, जहाँ पर इस तरह के जो अपराधी हैं, साइबर अपराधी हैं, वो यही काम में करने में लगे हुए हैं। ऐड चलाना बहुत आसान होता है, फेसबुक पे कोई भी ऐड चला सकता है, उसके वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, बंदा कॉल करता है, थोड़े थोड़े करके पैसे ले जाते हैं, और साथ में अगर आप पैसे नहीं दो तो आपको धमकी भी दी जाती है। ये सारी चीज़ें आपको मैं अभी हाल ही में, मुझे किसी विक्टिम ने अपने सारे स्क्रीनशॉट और सब कुछ भेजे थे, अभी मैं अगले हिस्से में वो ऑडियो भी लगा देता हूँ, आप सुन लीजिएगा, आप देख लीजिएगा किस तरह से धमकी दी जाती है विक्टिम्स को। तो सिर्फ कहना ये है कि ये सब फ्रॉड है, कोई भी इस तरह की जॉब किसी भी इंडस्ट्री में नहीं है कि आपको कोई प्रोडक्ट कहीं और बन रहा हो और रॉ मटेरियल दे करके आपके घर में बैठे बैठे आपको सामान दे करके आपसे पैकेजिंग करने के नाम पर आपको कमाई का लालच दें, तो ये पूरी तरह से स्कैम होता है। और जब स्कैम हो जाता है तो लोग सोल्यूशन पूछते हैं, लोग अक्सर मुझे कमेंट में यही पूछते हैं क्या करें। मैं कहता हूँ भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, साइबर कंप्लेंट कर सकते हो। अब साइबर कंप्लेंट वाले भी क्या होता है कि 8 से 10 हज़ार वाली कंप्लेंट लेते नहीं है। मैं देखो ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ उन विक्टिम्स के एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहा हूँ जो मुझको आकर के इंस्टाग्राम पर बताते हैं कि भैया हो तो गया, आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि साइबर क्राइम में जाकर रिपोर्ट कर दो, जब मैं रिपोर्ट करता हूँ या करती हूँ, जब मैं कॉल करती हूँ तो सामने से वो कहते हैं कि क्या करें, तुमने अपनी मर्जी से दिया था, जॉब के लिए दिया था, तो इसमें हम क्या करें, अरे कुछ नहीं मिलना इसमें, क्यों चक्कर काट रहे हो, जाओ अपना काम देखो, इस तरह के आंसर्स दिए जाते हैं। पर फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल जो है थोड़ा सा सख्त हो गया है, काफ़ी ज़्यादा साइबर क्राइम के अगेंस्ट में मुहिम चलाई जा रही है अलग अलग राज्यों के द्वारा, नंबर्स भी ब्लॉक किए जा रहे हैं, अकाउंट भी ब्लॉक किए जा रहे हैं, हालांकि वो नंबर और अकाउंट जो होते हैं वो फर्जी सिम या फर्जी आधार कार्ड पे ही लिए जाते हैं, लेकिन चीज़ें सख्त हो रही हैं तो कंप्लेंट ज़रूर करनी चाहिए। 1930 पे कंप्लेंट नहीं हो रही है तो cybercrime.gov.in भी जाके कंप्लेंट कर दे, लेकिन कंप्लेंट ज़रूर करें। क्यों ज़रूरी है? ताकि वो नंबर बंद हो, वो अकाउंट बंद हो, कम से कम उन स्कैमर को थोड़ी तकलीफ हो कि भाई वो अकाउंट बंद हो जाए, अगर वो अकाउंट चालू रहेगा तो क्या होगा कि अगले आदमी को भी ठगेगा, फिर अगले आदमी को भी ठगेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कंप्लेंट ज़रूर करो, पैसे मिले या ना मिले, देखो भाई इसका कोई इलाज है नहीं, ठीक है ना। तो अब आप जाते जाते ये ऑडियो सुन लीजिए कि किस तरह से जो साइबर अपराधी हैं वो विक्टिम को धमकी दे रहे हैं 400BC के केस में फंसा देने की, और विक्टिम बार बार कह रहे हैं कि मेरा पैसा रिफंड कर दो, पर वो रिफंड करने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ गाली गलौज के भी अंश हैं जो मैंने नहीं रखे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली, बट आप समझ जाइए एक महिला को भी नहीं छोड़ते वो, एक महिला को भी वो शिकार बनाने के बाद, इनसे ऑलरेडी 8,500 रुपये ले लिए थे, मतलब 8,500 रुपये लेने के बाद भी 4,000 रुपये की डिमांड कर रहे थे और उनको बकायदा धमकी दे रहे थे देख लेने की कि तेरा आधार कार्ड मेरे पास है, तुझे मैं ऐसे करवा दूंगा, तुझे मैं वैसे करा दूंगा, मेरा डिलीवरी वाला तेरे शहर में ही है, वगैरह वगैरह। तो सुनते हैं ये ऑडियो और उसके बाद ये वीडियो यहीं पर अंत करेंगे। हेलो, हाँ बोलिए। मेरे यहाँ नहीं हो रहा, मेरे पैसे वापस करवा दो आप। सर मैं बोल रहा हूँ, मैं मैनेजर बात कर रहा हूँ, मैं आपको देखो आप लाइफ आपका खराब हो जाएगा अगर पेमेंट नहीं करोगी तो। मैंने उससे बोला है कि मेरे को एक बार बात करने दो। मेरी बात सुनो, 4,000 रुपए भी उसने ऋण से कराया है, ठीक है आपके, मैं उसी की बात उसी के सुन रहा था, मैंने उसे बोला कि आप मेरी बात कराइए, और जैसा आप ये करोगी 4,141 रुपए करोगी, और जो भी आपका पेमेंट है मैं अभी, मेरा जिम्मेदारी है तुम्हारे अकाउंट में, अभी अपना नंबर दे देना पेमेंट करने के बाद में, जो भी तुम्हारा पेमेंट है 15,000 कंपनी देगा जो वो है, और 620 आपने फर्स्ट में किया, 3,000 दो बार, 1500 दो बार किया, और 1,105 यानी 5,150 रुपये एक बार किया था, ठीक है। जो भी आपका पेमेंट बनेगा, जैसे आप ये 4,100 रुपया करोगी, तुरंत अपने अकाउंट में चेक कर लेना, 5 मिनट बाद अपना नंबर दे देना, इसका मेरा जिम्मेदारी है, ठीक है। कहाँ से हमें से कहाँ तुमको देखेंगे सर, तुम अपना नंबर दे देना जिसमें आपको वो लेना है, जो 15,000 कंपनी देगा वह भी टोटल मिला के तुम्हारा अकाउंट में ट्रांसफर करा दूंगा अभी तुरंत। अभी बोला था कि मैं अभी तुरंत आपका अकाउंट में कर रहा हूँ सामान भेजना, फिर जब से अभी तक आ नहीं पाया 4 बजे। मैं मैनेजर बात कर रहा हूँ, मैंने उससे मोबाइल अभी मैंने बोला मेरे बात करने दो मेरे को उससे। तीन चार मैनेजर होगा, कितने बट ये रिटर्न स्लिप का पेमेंट है, आपका रिटर्न स्लिप बन रहा है।
अब हमारे यहाँ काम नहीं हो रहा, सब पुराने वाले हो गए। मेरी बात सुनो, इसके बाद में एक भी पेमेंट नहीं करना है। मैं भगवान की कसम खाता हूँ, मेरा जिम्मेदारी है, जो भी तुम्हारा पेमेंट है मेरे को जोड़ के बता देना, तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ ना, वन मिनट रुको, मैं बात कर रहा हूँ। आप ये लास्ट पेमेंट कर दीजिए, मैं तुरंत आपके अकाउंट में आप चेक कर लेना, और जैसे आप पेमेंट करोगे उसके 5 मिनट बाद। हमारे यहाँ अब हो नहीं रहा, दुकान बंद हो गई, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैंने दूसरों से मंगा के किए थे। देखो मेरे को टाइम बोल दो, कल तक मैं उससे बोल देता हूँ, कल हो जाएगा। तो ऐसे क्या तुम्हारा तो ये फ्लोट बन गया है फिर, कल तक का फ्लोट नहीं है, आपको तो फ्रॉड लग रहा है। और फ्लोट तो 8,000 रुपए कुछ हो गए। ठीक है, देखो आप मेरी बात सुनो, 4,000 के पीछे आपने देखो 8-7 हजार रुपए आपने किया है, बराबर 15,000 का दे रहा है, तो अपना यानी अपना 15-23-24 हजार रुपए, आप 4,000 रुपया के ऊपर, अपना 4,000 रुपया के ऊपर पूरा पेमेंट गमा रही हो। ठीक है, जिंदगी भर को आपको काम मिल रहा है। मैं कल तक कर पाऊंगी, आज नहीं कर पाएंगे। अब मैं उससे बोल देता हूँ, कल पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, कल पेमेंट हो, तुम कल ऐसा तो नहीं मेरे पैसे वो कर दो। मेरी बात सुनो, मैं भगवान की कसम खाता हूँ, ठीक है, ऐसे तुम्हारा दी जाएगा, जो भी आपका पेमेंट बनेगा, जैसे आप पेमेंट करोगी मेरे को कॉल कर लेना, मैं तुरंत आपको बोल दूंगा, इतने टाइम में आपको डिलीवरी हो जाएगा, जो भी तुम्हारा पेमेंट है तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। और नहीं हुआ तो, ठीक है, नहीं हुआ तो हम कहाँ ढूंढेंगे आपको। अरे क्या बात कर रहे हो, एक ही बात पे बोल रहे हो कि नहीं होगा, हम जब आपको जबान दे रहा है। तो जब से कर रहे ना हम पेमेंट, तो हम क्यों कैसे मान लें। मेरी बात सुनो, मैंने अभी उस उधर बात कर रहा था तो ऑफिस में आके, तो मैंने उससे मोबाइल लिया, मैंने मेरा बात करने दो, वो बोल रहा था मैंने बोला कंप्लेंट नहीं, पहले एक बार बात करने दो। आज नहीं कर पाएंगे हम, कल तक कर पाएंगे, कर पाएंगे मेरे पैसे। ठीक है, कल कर देना, मैं थोड़ा उसको मोबाइल देता हूँ, कल कर देना मेरे पैसे वापस। हाँ, पुलिस लेके आ जाए तो कल, उस मैंने जो पहले बोला था, क्या बोला था कि मेरी मेरी सामान नहीं आएगा तो मैं पैसे वापस करना पड़ेगा। अरे वो पेमेंट का कोई बोल ना रहे तुम्हारा रिफंड मिलने के लिए, रिफंड मिलने के लिए नहीं है, 1,400 रुपए करो। नहीं, पहले कितना कहीं 1,499 क्या उतना क्या, फिर उसके बाद क्या बोला कि दोबारा करो, फिर 5,000, ये क्या है, ऐसा थोड़ी ना कोई कंपनी होती है। अरे ये तो सीधा फ्लोट है ना, 4,100 रुपए करो। 4,100 रुपए क्या, तुम्हारे तरह से बनता रही, ये तो फ्लोट चल रहा है, ये पहले नहीं तुमने बताया ना, समझ पाए हैं, तुमने बोला तो पैसे फ्रॉड लग रहा है, तो आपने इतना पेमेंट किया है तो आप फ्रॉड लग रहा है आपको। नहीं तो करते रहे ना, बार बार बोले कितना करो, फ्रॉड लग रहा है, फ्लोट है ही वो तो। पेमेंट क्यों किया आपने इतना, जब फ्रॉड है तो फ्लोट, जब पहले बोला कि नहीं बस आने ही वाला है, आप कितना ही फंड कटता है ये होता, आपने बोला मैंने कर दिया, ठीक है ना, दोबारा मैंने मना किया, आपने क्या बोला नहीं करना पड़ेगा, फिर तुमने धमकी दी। चलो ठीक है, फ्रॉड लग रहा है तो आप रहने दो, आप लाइन फोन कट करो और मैं उधर डिलीवरी बॉय से बात करता हूँ। डिलीवरी बॉय से बात करो, मेरे पैसे सेंड करो, मैं बोलता हूँ थोड़ा जल्दी कंप्लेंट कराइए। हाँ बोल दो जितने जल्दी हो, टोटल अपना सिग्नेचर कर दो, आप पकड़िए, ठीक है। और अगर जैसे नहीं आया तुम जब से कई, अब इतने कर दो, हम 3 बार कर चुके हो, फिर बार बार फिर तो वैसे ही करो, हमारा कहीं सब खत्म रहेगा नहीं। आई सोर गॉड प्रॉमिस लास्ट एंड फाइनल पेमेंट, ओके। तो कितने टाइम आज आए, आज ही आना चाहिए, आज ही आएगा, अभी आएगा। तो हमारे पास उतने नहीं है, 2,000 रुपए हैं, 2,000 का इतना आप कर दो, फिर उसमें से काट देना। 2,000 से काम नहीं चलेगा, मैंने आधा का हेल्प किया, आधा भी मैंने बड़ी मुश्किल से दिया, ठीक है, और होता तो पूरा भी कर देता मैं, कसम खा रहा हूँ, ठीक है, भगवान की कसम काटे बोल रहा हूँ, ठीक है। कैसा, भगवान की कसम काटे बोल रहा हूँ, मेरे पास होता ना, ओनली मेरे पास जितना का मैंने इतना कर दिया है, और ये 4,000 आपको करना होगा, 4,100 रुपीज, ठीक है, जितना आपका अमाउंट बन रहा है टोटल, अभी 2 मिनट में पकड़िए, ठीक है, तुम्हारे अकाउंट में चेक कर लेना बैलेंस करते ही 5 मिनट बाद। हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, दुकानें भी बंद हो गई। मेरा बात सुनो, आपने 1 घंटे का टाइम दिया है, आप फटाफट कर दीजिए और आपका तुरंत माल दीजिए, ठीक है। कितने मतलब कितने को माल आया है वहाँ, क्या हमारा सामान कब तक आया और कितने को आज है। मेरा बात सुनो, देखिए 8:05:30 हो रहा है, ठीक है, 6:41 यानी कि मतलब 6:41 पे आपके पास आ जाएगा, पक्का आ जाएगा, हम तुम्हें कहाँ दूंगे, बॉडी प्रॉमिस पक्का। कितना करना, 4,100 रुपीज यानी कि मतलब 4,100 रुपए, ठीक है, 4,100 रुपए है, 4,100।
हाँ जल्दी करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आप मेरे लिए कॉल कर लेना पेमेंट करने से पहले, नहीं तो आप करिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा।